देश आज 72वां सेना दिवस मना रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक कदम है। यह केंद्र शासित प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारी सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम है। सेना दिवस के मौके पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में हुई परेड में पहली बार महिला अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल ने पुरुष बाल्टीन की परेड का नेतृत्व किया। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह समेत कई अधिकारियों ने यहां जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख नरवणे ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना प्रमुख होने के नाते मुझे अपने जवानों की योग्यता पर नाज है। हमारे सैनिक भले ही मुश्किल इलाकों में तैनात हैं, लेकिन वे हमेशा देशवासियों के दिल में रहते हैं। पिछले हफ्ते मैं सियाचिन गया था, वहां के मुश्किल हालात में तैनात जवानों का मनोबल देखकर बेहद खुशी हुई। भारतीय सेना ने प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, आतंक के प्रति हमारी नीति हमेशा से जीरो टॉलरेंस की रही है। आतंक का जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं। नियंत्रण रेखा की स्थिति जम्मू कश्मीर के हालात से जुड़ी है। वहीं हथियारों की फास्ट ट्रैक खरीद से हमारी ताकत बढ़ी है। हमारी सेना आज के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। सेना प्रमुख ने देश के बलिदान देने वाले शहीदों को भी याद किया, साथ ही पुरस्कार विजेताओं को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि तानिया 2017 में चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में शामिल हुई थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक किया है। उनके पिता, दादा और परदादा भी सेना में सेवा दे चुके हैं। वह चौथी पीढ़ी की पहली महिला अधिकारी है जो पुरुषों के परेड का नेतृत्व करेंगी। पिछले साल कैप्टन भावना कस्तूरी ने गणतंत्र दिवस पर पुरुष बाल्टीन की अगुवाई की थी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना अध्यक्ष ने सभी सैनिकों, परिवारों, भारतीय सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी को आर्मी जे की शुभकामनाएं दी। सेना दिवस की पूर्व संध्या पर जवानों को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना केवल एक लड़ाकू संगठन या राष्ट्र शक्ति का साधन भर नहीं है, इसका देश में इसका एक विशेष स्थान है। चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों और कश्मीर में युद्ध लड़ने वालों को सतर्क रहना चाहिए। जवानों की सभी जरूरतों को किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सेना अपनी वीरता और व्यवसायिता के लिए जानी जाती है। यह अपने मानवीय भावना के लिए भी सम्मानित है। जब भी लोगों को मदद की जरूरत हुई, हमारी सेना मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद करती है। भारत की सेना माँ भारती की आन बान और शान है, परंतु वो हमेशा सभी देशवासियों के दिल और दिमाग में रहते हैं। आज इस शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, JCOs और जवानों को, परेड कमांडर और दिल्ली एरिया को एक प्रभावशाली परेड के लिए मेरी हार्दिक बधाई। पुरस्कार विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले रेजिमेंट्स और बटालियंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम आप उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके बलिदान हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। पिछले हफ्ते मैं सियाचिन के दौरे पर गया था और वहाँ सभी रैंक्स का ऊंचा मनोबल देख के बहुत खुशी हुई। कठिन परिस्थितियों में तैनात सियाचिन और अन्य हाई एल्टीट्यूड एरियाज तथा नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में हमारे सैनिक देश के सेवा में समर्पित हैं। पिछले दिनों में हमारे कुछ जवान एवलांश के वजह से वीरगति को प्राप्त हुए। हम सब उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। बीते वर्ष में देश को कुछ गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना न सिर्फ प्रॉक्सी वॉर में निरंतर संघर्ष किया, बल्कि हमारे सरहदों, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ सुरक्षित
सुरक्षा सुनिश्चित किया। उत्तरी सीमा पर स्थिति अनुमन शांतिपूर्ण है। हम म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर और मौजूदा बॉर्डर मैकेनिज्म्स व बातचीत के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति जम्मू और कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई है। धारा 300 जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। भारतीय सेना और असम राइफल्स के अपूर्ण प्रयत्न से देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में सुरक्षा स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। अधिकांश इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ सीज फायर संबंधित समयबद्ध वार्ता चल रही है। उत्तर पूर्व में सक्रिय सुरक्षा स्थिति बनाए रखने व शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए इंसर्जेंट ग्रुप्स पर दबाव बरकरार रखा जा रहा है। हमारी नज़र भविष्य में होने वाले युद्ध के स्वरूप पर भी है। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने के दिशा में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। हम नीश कैपेबिलिटीज जैसे कि स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेना का पर्सपेक्टिव प्लान्स के अनुसार वेपन्स, इक्विपमेंट और गोला बारूद की फास्ट ट्रैक खरीदे से हमारी क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2019 में जो नए वेपन सिस्टम सेना में दाखिल किए गए उनमें से है असॉल्ट राइफल्स 6 और, स्नाइपर राइफल्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, 155mm धनुष आर्टिलरी गन और K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल गन और लाइट स्ट्राइक व्हीकल। इस साल भी कुछ ऐसे वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट जो उपलब्ध कराए जाएंगे उनमें AK-203 राइफल्स, शारंग गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स शामिल है। आप निश्चित रहें कि सरकार आपकी जंगी ज़रूरतों को हर हाल में पूरा करेगी। भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट डोमेन्स में अपनी टेक्निकल क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारे राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे विदेशी मित्र देशों ने भारतीय सेना के साथ मिलाप करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय सेना डिफेंस कोऑपरेशन गतिविधियों के माध्यम से 99 देशों के साथ संयुक्त रूप से एंगेज्ड है। विदेशी मित्र देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज हमारा रक्षा सहयोग का एक अभिन्न अंग है। अगस्त 2019 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें कुल 8 देश रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, सूडान और इंडिया ने भाग लिया। भारतीय सेना का इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान
पर आकर विजयी होना हम सब के लिए गर्व की बात है। हमारी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सैनिक हैं। भारतीय सेना हमेशा की तरह अपने सैनिकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। 2019 में हमने नेक्स्ट ऑफ किन पर खास ध्यान दिया ताकि हमारे जवान अपने प्राथमिक कार्य पर ध्यान दे सकें और आश्वस्त होकर उनके नेक्स्ट ऑफ किन हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेंगे। हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के आभारी हैं, जिन बैटल कैजुअल्टीज का नाम त्याग चक्र पर अंकित हैं, उनके परिजनों को रोज सम्मानित किया जाता है। पिछले साल 308 शहीदों को परिवारों को सम्मानित किया गया। यह न केवल हमारे शहीदों के प्रति हमारी भावना को दर्शाता है बल्कि सर्विंग और भावी सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाता है। पिछले साल सेना में बैटल कैजुअल्टीज के आकांक्षाओं व ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए उनके परिवारों तक पहुँचाए। हमारे देशवासियों के दिलों और दिमाग में भारतीय सेना का एक विशेष स्थान है। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय सेना में हमारे सभी रैंक्स देश के हर इलाके से विभिन्न धर्मों से शामिल है और सेना में जात धर्म क्षेत्र के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय सेना कर्तव्य, वीरता और निष्पक्षता के प्रतीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप नाम नमक निशान के सिद्धांत का पालन करते हुए देश के विश्वास पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। अंत में मैं दोहराना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में ऊंचे दर्जे के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की मांग बढ़ती रहेगी। भारतीय सेना न सिर्फ आज के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है बल्कि भविष्य की अपेक्षाओं को दूर करने भी सक्षम है। सेना दिवस के अवसर पर आज फिर हम सामूहिक रूप से अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।